सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे इंपॉर्टेंट यूजेस बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का। सो वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ठीक है, एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्वियसली पास्ट में कोई एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है। कौन सा सिचुएशन पे ये पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब करता है? जैसे हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग दो एक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दो एक्शन है। पहला एक्शन है हैड ईटन डिनर और दूसरा है आई वेंट टू द मूवी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी एक्शन होने से पहले ही कोई कार्य हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके का सिचुएशन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वेंट टू द मूवी। ठीक है, यहाँ पर आई वेंट टू द मूवी मतलब जो है ये एक्शन वन है। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे घर जाने से पहले ही मैंने क्या खाया था? खाना खाया था। ठीक है ना, जो खाना खाया था जो सेंस हमें दे रहा है इस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मेरा घर जाने से भी पहले, ठीक है, मैंने खाना जो था खा चुका था। ठीक है ना, जो ये खा चुका था वाला सेंस हमें मिल रहा है, ये हमारा पहला यूज़ है। सो दूसरा यूज़ है वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी एक्शन जो वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लास्ट फ्राइडे जो है हमारा स्पेसिफिक टाइम है पास्ट में। ठीक है ना, पास्ट में जो लास्ट फ्राइडे जो है एक स्पेसिफिक टाइम है। तो उस टाइम तक उसने क्या कर लिया था? प्रोजेक्ट जो थी यहाँ पर, प्रोजेक्ट जो है कर लिया था। ठीक है ना, वो काम ऑलरेडी कम्प्लीटेड किया जा चुका था। तो शी हैड फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय लास्ट फ्राइडे। ठीक है, जो लास्ट फ्राइडे जो है एक स्पेसिफिक टाइम है पास में, उससे पहले ही, ठीक है ना, मतलब उस टाइम पर, उस स्पेसिफिक टाइम पर वो कार्य जो था कंप्लीट हो चुका था। जैसे उसने पिछले शुक्रवार तक, ठीक है ना, शुक्रवार तक उस स्पेसिफिक टाइम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। तो ऐसे सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट शोज कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, कोई यहाँ पर दो एक्शन होता है। ठीक है ना, दो एक्शन होता है, एक कॉज दिखाता है तो एक एक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कॉज एंड इफेक्ट को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड। ठीक है ना, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड रन अ मैराथन। ही हैड रन अ मैराथन, तो यहाँ पे एक इफेक्ट है। ठीक है ना, इफेक्ट क्या है कि वो थका हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, थका हुआ है। क्यों थका हुआ है? कॉज दिखाने का काम यहाँ पर, कारण दिखाने का काम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसने क्या किया था, वो दौड़े थे, मैराथन दौड़े थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वो थका हुआ था क्योंकि, क्यों थका हुआ था? कॉज, क्यों मीन्स कॉज, राइट, क्योंकि वो मैराथन दौड़ लगाई थी। ठीक है ना, मैराथन दौड़ लगाई थी। तो यहाँ पर कॉज दिखाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यूज है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश बिफोर द अनदर एक्शन। ऐसी कार्य को डिस्क्राइब करते हो और वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका हो और एक कार्य होने से पहले ही वो खत्म भी हो चुका हो। जैसे कि दे हैड लिव्ड इन पेरिस फॉर 3 ईयर्स बिफोर दे मूव टू द लंडन। इट मीन्स कि यहाँ पर देख सकते हो कि लंडन जाने से पहले वो 3 साल तक पेरिस में रही थी, मतलब रह चुके हैं। तो यहाँ पर लंडन जाने से पहले ही एक कार्य, जो यहाँ पर पेरिस में रहने का कार्य जो है वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। दैट स्टार्टेड एंड फिनिश बिफोर द अनदर एक्शन। लंडन जाने वाला कार्य होने से पहले ही जो पेरिस में 3 साल रहने वाला कार्य जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके का सेंस को, इस तरीके का सिचुएशन को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट शोज एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है किसी एक ऐसे एक्शन को दिखलाता है कि एक जो एक्शन वो तब घटित होता है जब वो चीज़ आप क्या करते हो, एक्सपेक्ट करने से पहले ही कोई एक्शन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि जो एक्शन जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही वो घटित होता है। ठीक है, आप जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो उससे पहले ही वो कार्य होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, आई हैड थॉट। ठीक है ना, आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, क्या सोचा था कि वो आएगा। ठीक है ना, वो आएगा, वो पहले ही आएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला जो एक्सपेक्टेशन जो है, ठीक है ना, जो ये आने वाला कार्य जो है ये होने से पहले ही मैंने यहाँ पर क्या किया था, सोचा था। ठीक है ना, मैंने सोचा था। तो सोचने वाला काम जो है ये एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है, ही वुड अराइव, वो आएगा। तो ये एक्शन टू समझ लीजिए इसको, ये एक्शन टू होने से पहले ही मेरा जो सोचने वाला काम जो था, जो सोचने वाला जो एक्शन जो था वो हो चुका है। तो ऐसे सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। मैंने सोचा था कि वो पहले ही आ जाएगी, लेकिन वो आधा रात तक नहीं आया। ठीक है, तो आइए समझ में होगा आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस इज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन दैट हैज़ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है जिसका कनेक्शन प्रेजेंट तक भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बिफोर आई मूव टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, बिफोर आई मूव टू द यूनाइटेड स्टेट। अब मैं कहाँ पर हूँ? यूनाइटेड स्टेट पर हूँ। और अभी मतलब अभी मैं प्रेजेंट में कहाँ हूँ? हम बात पास्ट ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में।
यूनाइटेड स्टेट में है, अभी मानकर चलिए प्रेजेंट में यूनाइटेड स्टेट में है, मैं जो है यूनाइटेड स्टेट में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात कब की कर रहा हूँ, पास की कर रहा हूँ। आई हैड, मैं ऑलरेडी 3 साल क्या कर चुका हूँ, मैं 3 साल पढ़ चुका हूँ, राइट। आई हैड स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स, मेरे लंदन जाने से भी पहले, मेरा लंदन आने से भी पहले मैं 3 साल क्या कर चुका हूँ, इंग्लिश पढ़ चुका हूँ। इट मीन्स अभी मैं जो हूँ, हम बात पास की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी मैं जहाँ पर हूँ, मैं प्रेजेंट में लंदन में हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरा पास का एक्टिविटी जो है, पास का जो एक्शन जो मैंने परफॉर्म किया है पास में, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्रेजेंट तक दिखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जाने से पहले मैंने 3 साल तक अंग्रेजी की अध्ययन की थी, ठीक है ना। इट मीन्स अभी मैं कहाँ हूँ, प्रेजेंट में यूनाइटेड स्टेट में हूँ। पहले ही हम बात कहाँ की काफ़ी कर रहे हैं, पास की कर रहे हैं, फिर भी ये जो इंग्लिश पढ़ने का रिलेशन जो है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट तक कहाँ तक, प्रेजेंट तक है, क्योंकि इंग्लिश तो मैं 3 साल पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो पढ़ा हुआ चीज़ हम भूलते नहीं, राइट। तो जो भी पढ़ा है वो तो मेरे पास अभी तक भी याद है मुझे, अभी मैं यूनाइटेड स्टेट में हूँ प्रेजेंट में। तो ऐसे कनेक्शन बनाने के लिए हमें पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है यूज्ड इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, एक कंडीशनल सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होते हैं। हाइपोथेटिकल आप लोग समझते हैं, जो एक स्पेकुलेशन की बेस पे कोई चीज़ कहा जाता है, दैट इज हाइपोथेटिकल, और कंडीशनल भी कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है ना, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पर ये रियलिटी नहीं है, जो मैं एग्जाम पास करूँगा, ये रियलिटी नहीं है, ये एक इमेजिनरी मेरी बात है, स्पेकुलेशन है, ठीक है ना, मेरे मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैड जो है, ये हमारा पास परफेक्ट है, ठीक है ना, पढ़ा होता, इफ़ आई हैड स्टडीड। तो थर्ड कंडीशन के साथ भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, आई गेस आप लोगों को समझ में होगा ये। सो नेक्स्ट यूज है यूज्ड इन सेंटेंसेस विद विश, ठीक है ना। किसी को दुआ देने के लिए, विश करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम, मतलब किसी को दुआ देना या अपने आप को विश करना, ठीक है ना। काश मैंने परीक्षा के लिए और अधिक मेहनत की, मेहनत से पढ़ाई की होती, ठीक है ना। इस तरीके का सेंटेंस एक विश, ठीक है ना। काश मेरे पास $1,000 होता, काश मेरे पास गाड़ी होता, बंगला होता। तो इस तरीके से विश करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज़ है यूज टू शो एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर समवन और समथिंग एल्स। किसी का या किसी चीज़ की वहाँ पर पहुँचने से पहले या कुछ करने से पहले ही वो कार्य हो चुका होता है। तो ऐसे सेंस में भी हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, द सन हैड सेट बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द बीच। तो जब हम समुद्र तट पर पहुँचे तो सूरज डूब चुका था। तो इट मीन्स हम मतलब कोई समवन, ठीक है ना, कोई यहाँ पर कोई का मतलब है कौन, हम समवन, ठीक है ना, कौन हम बीच पर पहुँचने से पहले ही ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये एक्शन कौन सा एक्शन, ये आगे वाला एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो सन जो है ऑलरेडी डूब चुका था, मतलब सेट हो चुका था, ठीक है ना। तो एक्शन वन होने से, कंप्लीट होने से पहले ही एक्शन टू जो है, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे सेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कि टू शो एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। एक एक्शन होने से पहले ही दूसरा कार्य हो चुका नहीं होता है। टू शो एन एक्शन वॉज नॉट कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्शन वन मीन्स ये व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड, ठीक है ना, व्हेन माय फ्रेंड अराइव्ड एक्शन वन है। ये एक्शन वन होने से पहले एक्शन टू जो है, यहाँ पर एक्शन टू का मतलब ये, मतलब आई हैड नॉट फिनिश माई होमवर्क, ये आपका एक्शन टू है, ठीक है। एक्शन टू कम्प्लीट नहीं हो चुका है, मतलब कम्प्लीट नहीं हो चुका था, ठीक है। तो ऐसे सेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन माई फ्रेंड अराइव, मतलब ये एक्शन वन जब मेरा फ्रेंड आया था, ठीक है ना, जब पहुँचा था, तो उससे पहले मेरा क्या नहीं हुआ था, आई हैड नॉट फिनिश माई होमवर्क। जो मेरा होमवर्क का जो कार्य जो था उसको मैंने कम्प्लीट नहीं किया था। जो एक्शन टू है वो इनकम्प्लीट था, ठीक है। एक्शन वन खत्म होने तक भी एक्शन टू जो है वो खत्म नहीं हुआ था। तो ऐसे सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जब मेरे दोस्त आए तब मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। इट मीन्स जब मेरा दोस्त आया तो मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था। तो पूरा नहीं किया जो है एक्शन टू है, जो इनकम्प्लीट सेंस को दिखा रहा है। और उसके बाद जो एक्शन वन जो है, जो मेरा दोस्त आना, वो एक कम्प्लीटेड है। तो इस तरीके से हम दो एक्शन को दिखाने के लिए, हम एक कम्प्लीटेड और एक इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं।